Mubarak to everyone. Thank you for being here. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you very much. हाँ भाई रईस खान यहाँ फिर थोड़ा पीछे यार। खान साहब कैसा रहा आज का दिन और किस तरीके से दिन की शुरुआत हुई? आलोक फ्रॉम ओएफए। हाँ आलोक शुरुआत तो आप लोगों से ही होती है और अभी हम दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। बट मीडिया आपके साथ ईद का त्यौहार मना रही है, इस दिवस को आपके सर आपके नीचे आपके कदमों पे ये दिवस कितना खास होता है और अगर कुछ बचपन की यादें अगर आप शेयर करें हमसे। आई थिंक जितने भी हमारे घर में तो सारे के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर टेकन एज अ मोमेंट कि सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करें या दुआ करें या कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक स्पेशल खाना होता है, बट बियॉन्ड दैट और कुछ भी नहीं। एंड और सबको छुट्टी भी मिलती है, सो everybody is together and spends time together. Shahrukh, what was so special this Eid year? Towards your left, right. Shahrukh, towards your right. What was so special about this Eid, and what did you give to your children this year? There's no gifting on Eid in our house. We just, I think, wear new white clothes. हम नए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो आई थिंक जो लड़के हैं उनको परेशानी होती है कुर्ता पजामा पहनने में, सब मॉडर्न है तो ज़बरदस्ती उनको हम कुर्ता पजामा पहनाते हैं और ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जो हम एक दूसरे को देते हैं। तो 11 रुपये मिलते थे बस, तो घर वाले या जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो कुछ पैसा दे देती थी या उसको बांध के देते थे। एंड बट इतना मुझको भी याद नहीं आया क्योंकि माई आई थिंक मैं बहुत छोटा ही था जब माँ बाप चल बसे, तो फैमिली इतनी थी नहीं, सो बस दोस्तों के घर ही गए हैं या लोग हमारे घर में आते हैं। और ईदी में तब उस ज़माने में तो ऐसे 11 रुपये या कुछ ऐसे लिफाफे में मिल जाते थे नानी से या किसी से। नहीं आई थिंक ईद का त्यौहार और जो हमारा प्रोफेशन है वो अलग है यार। दिवाली का त्यौहार और प्रोफेशन जो है अलग है। आई थिंक उसकी सहायता सिर्फ यही होती है कि छुट्टियों के जब दिन होते हैं तो फिल्मों का बिज़नेस बढ़ जाता है, लेकिन हम उसको ऐसा फेस्टिवल के साथ जोड़ें ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ लोग ऐसी बात ज़रूर करते हैं और वो जब पॉजिटिव होता है तो अच्छा लगता है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इट्स जस्ट सम टाइम ऑफ ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़ व्हिच हेल्प द बिजनेस। नो आई हैवंट सीन सुल्तान येट यार, बट आई हर्ड इट्स वेरी नाइस। आई हैवंट सीन, मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जब टाइम मिलेगा तो देखता हूँ। अच्छा मैं जब देखूंगा तो उसको थैंक यू बोल दूंगा। उसके वाले सवाल मुझसे मत पूछना। नहीं यार, इट गॉटन टुगेदर। नॉर्मली मैं और सलमान रात को मिलते हैं बिकॉज काम के बाद, तो मैं 1:30-2 बजे उसके घर गया था एंड तो फिर वो पता ही नहीं चलता जब हम साथ में होते हैं। सुबह हो गई, सो आई वॉज गोइंग एंड ही सेड साइकिल पे चलते हैं, थोड़ा हेल्दी होता है। पता नहीं उसे क्यों सुबह सुबह ऐसी हेल्दी सूझी, ऐसे रोके भी गो इन अ साइकिल है। सो वी जस्ट साइकिल फ्रॉम हिज हाउस एंड देन आई सेंट हिम बैक इन माय कार। नहीं, ये दोनों बहुत हैं यार, ये पूरा संभाल लेंगे कुश्ती का माहौल, डोंट वरी। वो मैं लगता ही नहीं किसी एंगल से यार, मैं प्यार करने वाला हूँ, रेसलिंग वेसलिंग करना मुझे नहीं आता। हेलो सर, टुवर्ड्स योर राइट सर, दिस हेलो टुवर्ड्स योर सर, दिस इज प्रमोद फ्रॉम ANI। आई जस्ट वांटेड टू नो कि सर जिस तरह से दुनिया में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज ईद के वक्त भी बांग्लादेश में भी हमले हुए हैं, तो आपका क्या लगता है सर एक धर्म से इसको जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? पिछले साल ना जब मेरा जन्मदिन था तो कुछ जर्नलिस्ट ने और टेलीविजन वालों लोगों ने मुझसे एक सिंपल सी बात का इतना बतंगड़ बनाया कि मैंने अपना जन्मदिन जो है इन्जॉय नहीं किया। एंड आई होल्ड दैट अगेंस्ट एवरीवन, क्योंकि मैंने जो बात की थी अच्छी बात की थी, शरीफ बात की थी, उसमें कोई रिलीजियस गलत बात नहीं थी। मैं जवान लोगों को वो कह रहा था, तो मैं चाहूँगा इस बार ऐसे सवाल पूछ के मेरी हिम्मत ख़राब करो प्लीज़, क्योंकि क्या पता कौन कैसा उसको आगे बढ़ाता है। जब इंटरनेट है, जब नई टेक्नोलॉजी है, तो फिर नई नई बाधाएं और प्रॉब्लम्स भी होंगी। सो नोबडी वांट्स दे फिल्म टू लीक या पहले रिलीज़ हो जाए, उसमें नुकसान ही होता है। और आई थिंक अभी रूल्स और स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, और जितने भी जगहों से लीक होती है पता नहीं चलता कैसे होती है। बहुत मुश्किल है यार, मतलब ये आई थिंक यहीं पे नहीं दुनिया में ये प्रॉब्लम है। फॉरेन फिल्में भी जो हैं एक दिन पहले रिलीज़ हो जाती हैं, और हम आप में से भी ज़रूर। What was the best thing that you did today morning with Abram? How was it? How was it? एक तो उसका नाम अब्राम है, वो एकदम कंफ्यूज हो गया वो यार, सब मुझे भी कहते हैं अब्राम और अब्राम, हाँ एकदम कुछ अमेरिकन साउंड करने लगे वो अब्राम। एंड वो अमूमन जब कोई ऐसा दिन होता है, जन्मदिन हो, दिवाली हो, ईद हो, तो लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आई थिंक नाम लेते हैं ऊँचा ऊँचा, अंदर आवाज़ आती है घर में, और वो जो है सुबह बड़ा एक्साइट हो जाता है और कहता है पापा बच्चाज हैव कम। सो वो मैं एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट, मैं रात को काम कर रहा था तो मैं सोया बहुत लेट। मैंने यही सोचा था आप लोग जो है 4 साढ़े 4 बजे मुझे मिलना है, यू हैव समथिंग टू ईट बाय 3, 3:30 एंड देन आई मीट यू, तो मैं आराम से 2, 2:30 बजे उठूँगा। बट ही केम टू माई रूम एंड पापा बच्चाज हैव कम, पापा बच्चाज हैव कम। वो अपना कुर्ता पजामा पहन के रेडी था, बिकॉज वो सो जाता है। सो या दैट्स वेरी नाइस, ही ऑलवेज आई डोंट नो हाउ ही फील्स इट, क्योंकि उम्र में बहुत छोटा है, बट ही रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट people who love me and admire me come outside the house, and he makes it a point कि मेरा हाथ पकड़ के वो मुझको balcony पे लाता है, and then I got him out because I think if he respects it so much, he should give back the respect even at this age. What kind of cycles, IOHOP, Frigo, so all these things now I have an excuse to buy. तो मेरे पास एक बहाना है। You know, when you were a kid, your uncle, your dad would take you on the bike, और आपने एक बार इच्छा जताई थी कि I wish I could do that with my kids. Have you ever managed to do that, like take your kids on a two-wheeler out on the streets? I went once with Suhana, but इतने लोग आ गए थे फिर थोड़ा सा awkward हो गया। In the morning, I think Aryan was also with me on the cycle. But yes, when I'm जब मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ, तो hoodie पहन के चुपचाप से लंदन में या दुबई में मैं cycling जरूर जाता हूँ। मेरे पास cycles हैं और बहुत अच्छी cycles हैं मेरे पास। So I take those cycles out with my children and ride in London sometimes and लेकिन वो इतना एंजॉय नहीं करते अब यार, उनको ऐसा लगता है ये क्या है साइकिलिंग। आई थिंक तो अब्राम इज लेफ्ट नाउ, सो मे बी नेक्स्ट ईयर व्हेन ही इज अ लिटिल ओल्डर, बट आई डू टेक देम आउट साइकिलिंग ऑन द स्ट्रीट्स। यू वी हैव स्पोकन टू रितेश एंड फरान बिकॉज उनकी शुरू नहीं हुई थी फिल्म उस वक्त। वी स्पोक अबाउट अ मंथ बैक बिकॉज वो शुरुआत है, सो मे बी वी कैन डू सम एडजस्टमेंट। सो आई थिंक राकेश जी एंड रितेश एंड फरान 10 या 11 को फिर से मिल रहे हैं, दे आर नॉट इन अमेरिका, सो दे विल ट्राई एंड फिगर इट आउट, वी डोंट हैव टू क्लैश। Secondly, we also read reports that you have seen the teaser of Adil Mushkil and you see and share with us on this. मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आप खुद लिखते हैं उसमें बिलीव मत किया कीजिए, हमें भी पता नहीं होता। I want to know sometimes what are you guys taking. Sometimes even I want to take the same thing when you're writing what you're writing. So please, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, ईद का मौका है, कभी कभी पूछा एडवाइस है, मेरी एडवाइस आप सबको यही है कि जो आप खुद लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसमें बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। Having said that, no, I haven't seen the failure of Adil Mushkil, and मेरी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है विशेष उसके ऊपर कि आपका ट्रेलर ऐसा होना चाहिए। और मैंने भी पढ़ा ये, किसी की फिल्म के बारे में अगर मैं सोचूं भी ऐसा, so I don't think I will discuss it outside। मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब भी करण बोलेंगे मैं ज़रूर देखूंगा, और मुझे ये विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा। मैंने गाने सुने हुए हैं उसके 3 गाने सुने हैं, and this I can tell you। हम एक दिन रात को बैठे थे तो करण ने मुझे उसका आई थिंक टाइटल ट्रैक सुनाया, इट्स फैंटास्टिक, बट आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म। यार इम्तियाज़ मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब उन्होंने वो पहली फिल्म बनाई थी, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, और शायद सोचा ना था। और जब भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, स्ट्रेंजली वो मेरे घर आके मुझे अपनी वो फिल्म की कहानी बताते हैं जिसमें मैं नहीं हूँ। ऑलवेज ही टेल्स मी दैट आई थैंक यू। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं वो। इवन लव आजकल, इट वॉज कॉल्ड समथिंग ब्रिजेस, देन व्हेन ही मेड रॉकस्टार, देन तमाशा की मुझे इतनी नहीं मालूम थी। ही इज़ ऑलवेज डिस्कस्ड हिज फिल्म्स विद मी जस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ क्रिएटिव पर्सन। So then suddenly one day he said, "Sir, मेरे पास आपके लिए भी एक है, but I wanted to do a happy film with it because I'm in that zone right now. ये थोड़ी खुशगवार फिल्म हो, हाँ जब, but he has a very nice take on it, so hopefully we'll make it nice." Is it a conscious thing that you will continue playing ages which is closer to your age now? Because the last film. No, in fact I was 26 here. It depends on the role I get. So of course I can't play. I should be playing an age now as a character. If I'm playing 26 or 27, I should think of as a character, not believe I'm 26. I look 26, I feel 26, and I'm sexy as 26. But I should not think I'm 26. I should play it as a character. शाहरुख हमें बता सकते हैं कि वो किस हीरो के फिल्म में ज़्यादा देखते हैं, किस तरह की फिल्म में ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर आप कुछ बता सकें हमें। Actually, मैं उसको इस वक्त फिल्म में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म स्कूल में जा रहा है। सो मैं उसको मैंने एक फोल्डर बनाया फिल्मों के नाम का, विच आई थिंक आर क्लासिक्स, जैसे अनटचेबल्स, गुड फेलर्स, देन आई हैव शोन हिम फॉलिंग डाउन, माइकल डगलस। तो इस वक्त मैं उसको ऐसा एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि अभी उसको अंग्रेज़ी फिल्मों का ही दे रहा हूँ। सॉरी, या A lot of it is shot outside India and some days in India. शाहरुख हमारे शहर में अतिथि वापस आ चुके हैं। अतिथि वो है जो हमारे पोर्टल पर हर साल आते हैं इस मौसम में। Yeah, we are all destiny's favorite child है। मतलब कितनी बार मैंने सुना है और हम। ये बाहर कौन है? पहचान लगता है। है नहीं बेटे। हाँ भाई रईस खान यहाँ। चलो यार चलो। हमारा आता है एक मिनट। रवि को बोल रहा है। अरे क्या गुरु मांडवी मैडम, मांडवी जी हम लोग जाए बाहर। चलो चलो अभी बाहर जा खान साहब। चलो शाहरुख भाई आप अकेले बस यहाँ पे वापस चपली हटो यार, हटो थोड़ा थोड़ा हटो। Coba Hadi gel. बैठ जाओ ना।